आयुर्वेद डे आप सबको जानते हैं कि पर पास्ट 8 ईयर्स से हम लोग मना जा रहे हैं। दिस टाइम 8th आयुर्वेद डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ 30 डेज प्रोग्राम है। इस 30 डेज प्रोग्राम का दौरान हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं आयुर्वेद के बारे में, जनरल पब्लिक को हम लोग उसका स्ट्रेंथ्स के बारे में और वेलफेयर के बारे में, वेलनेस के बारे में हम लोग जनरल पब्लिक को हम लोग अवेयरनेस लेके आने जा रहे हैं। उसमें लेक्चर्स दे देंगे, वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, वेबिनार्स करेंगे एंड इवन मेडिकल कैंप्स, आयुर्वेद मेडिकल कैंप्स भी करेंगे। जो डिजर्व है, जिसको नीडी है, उसको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे एंड हर दिन आयुर्वेद इसका मकसद लेके आएंगे, ताकि हम लोगों का किचन में जैसे डेली यूज़ करते हैं मसाला स्पाइसेस, उसमें सो मेनी मेडिसिनल वैल्यूज़ है। ऐसा बिना नॉलेज के बिना हम लोग यूज़ करते हैं, अगर यदि उसी का अंदर में जो क्वालिटीज़ अगर मालूम होता है और एंथुसियास्टिकली एंड यूज़फुल्ली हम लोग वो मेडिसिन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसी के दौरान हम लोग एक पब्लिकेशन भी लाया है होम रेमेडीज़ करके, उसमें डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स है कॉमनली ग्रोन इन हाउसेस, उसका बारे में, उसका यूटिलिटीज़ के बारे में एंड उसका यूज़फुलनेस के बारे में, कौन सा बीमारी में कौन सा प्लांट कौन सा पार्ट कैसे यूज़ करना है, वो भी हम लोग बुक फॉर्म में लेके आया। उसी को भी ब्रोचर्स एंड ई ब्रोचर्स के थ्रू भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग जब मेडिकल कैंप्स करेंगे, जनरल पब्लिक का कुछ प्रकृति डिटर्मिनेशन टेस्ट भी करेंगे और कुछ स्क्रीनिंग भी करेंगे फॉर पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशंस। उसमें डिसलिपीडीमिया, दैट मींस हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जिसको में है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस है, उसमें हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इंस्टीट्यूट में रेफ़र करेंगे, उन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी हम लोग करेंगे। और हम लोग कुछ ऑर्फनेजेस, स्कूल्स, ओल्ड एज होम्स, कुछ एनजीओस भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि उधर जाके हम लोग मेडिकल कैंप्स करेंगे, लेक्चर्स दे देंगे एंड कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे कुछ स्कूल्स भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग हाई वैल्यू न्यूट्रिशनल वैल्यू जो जिस प्लांट्स में है वो प्लांट्स को उधर हम लोग प्लांटेशन करेंगे और उसी को पोषण वाटिका नाम पर हम लोग उसको डेवलप करेंगे, फ्यूचर में भी उसको मेंटेनेंस हम लोग करेंगे। और 30 डेज काउंट के बाद ऑन फाइनल डे हम लोगों का रन फॉर आयुर्वेदा करके हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग जितना भी एंथुसियास्टिक पब्लिक है, आयुर्वेदा लवर्स है, स्टूडेंट्स है, जो CRPF जवान है, ऐसे लास्ट टाइम प्रीवियसली जैसे करते आया, इस बार ही हम लोग एंथुसियास्टिकली करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।